दोस्तों आखिरकार भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज शुरू हुआ। और क्या है इस मुकाबले की पूरी लाइव अपडेट, क्या टीम ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरी है मैदान पर, वो सब तो आपको यहां पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आज भारत और साउथ अफ्रीका में से कौन सी टीम पहला T20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करते हुए आज हम सभी को दिखाई दे रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बमुमा संभाल रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम को सीरीज की शुरुआत से एक दिन पहले ही दो करारे झटके लगे थे, जहां केएल राहुल और कुलदीप यादव चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। और ऐसे में बीसीसीआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि केएल राहुल के दाईं तरफ ग्रोइन चोट के कारण आगामी सीरीज से वो बाहर हो गए हैं। और वहीं कुलदीप यादव को पिछली शाम नेट्स पर बल्लेबाजी करते समय दाएं हाथ पर चोट लगी थी, जिसके कारण वो भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों के विकल्प की घोषणा नहीं की थी। हालांकि बोर्ड ने ऋषभ पंत को सीरीज के लिए भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया, जबकि हार्दिक पांड्या उपकप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने मजबूत स्क्वाड के साथ भारत आई है, जबकि भारत ने कई युवा चेहरों को शामिल किया है, जहां भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को आगामी सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जबकि जडेजा चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच आंकड़ों पर अगर गौर करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार हम सभी को बड़े बड़े खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, जो कि भारतीय टीम के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि दोस्तों आज पहला T20 मुकाबला भारत किसी भी हाल में जीतना चाहेगी और इस मुकाबले को जीतकर वो 1-0 से बढ़त भी हासिल करेगी। और आज पूरा दारोमदार ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सुरेश अय्यर पर होगा, जो कि ताबड़तोड़ अंदाज में हम सभी को अपनी लय दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो वही आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आज भारत की कौन सी प्लेइंग 11 टीम आप सभी को बीच मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों जो पहली प्लेइंग 11 टीम भारत की निकल कर आ रही है वो ये है, जिसमें ओपनिंग करते हुए आप सभी को दिखाई देंगे ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। वहीं तीसरे नंबर पर सुरेश अय्यर को मौका दिया जाएगा, चौथे नंबर पर ऋषभ पंत जो कि कप्तानी की भूमिका निभाएंगे, पांचवे नंबर पर हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल आप सभी को टीम का हिस्सा रहते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम, जो कि आप सभी को पहले T20 मुकाबले के लिए खेलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में पहले T20 मुकाबले में भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही है इस प्लेइंग 11 टीम के साथ। लेकिन अब आप सभी को क्या लगता है कि भारत की टीम आज का ये रोमांचक मैच जीतेगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।